जंग जो लाती है सिर्फ तबाही, मौत और नरसंहार, जिसमें कीमत हमेशा बेगुनाहों को अपनी जानें देकर चुकानी पड़ती है। आज की कहानी भी एक सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसे ही जंग की है, जहां लाखों लोग अपने ही सरजमी से बेघर हुए, तो न जाने कितनों ने अपनी जानें गवा दी और न जाने कितनों की हत्या हुई, जहां मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। और मौत के इस मंजर की गवाह बनी एक 14 साल की लड़की फरा। जब 1948 में इसराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों देशों के बीच पहली जंग छिड़ी, जो नकबा नाम से जानी जाती है, तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गांव को, जहां फरा अपनी बाकी सहेलियों से बिल्कुल अलग थी। जहां एक तरफ उसकी सहेलियां उसकी उम्र में शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी, तो वहीं फरा मदरसे की तालीम पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उनके गाँव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता। लेकिन फरा के पिता, जो उस गाँव के सरदार भी होते हैं, उसे अकेले शहर भेजने से डरते हैं। अब छुट्टियों में फरा की सहेली फरीदा गांव आती है और दोनों ही एक दूसरे को देख बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद हम उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहां फरा कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यहां आई हो, तो फरीदा कहती है कि मुझे यहां गांव में रहना बहुत पसंद है, यहां का माहौल शहर से बहुत अलग है। जिसके बाद फरा कहती है कि वो तो हमेशा से शहर जाकर पढ़ना चाहती है, जिसके लिए वो अपने पिता से बात भी कर रही है। कि दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ब्रिटिश मिलिट्री की कुछ गाड़ियां आ जाती हैं, जो फिलिस्तीन छोड़कर जा रहे होते हैं। अंग्रेजों के उनके गांव से निकल जाने से वहां के बच्चे खुश होते हैं। अब एक दिन फरा के पिता से मिलने उनके दोस्त आते हैं। वो दोनों इजरायली आर्मी से निपटने को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, मगर फरा के पिता हथियार उठाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं होते, क्योंकि उनके पास हाईटेक बंदूकें नहीं है, और साथ ही जो बंदूकें हैं भी तो उनमें जंग लग चुकी है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी फरा वहां चाय लेकर उस कमरे में आ जाती है, जिसके बाद उसके पिता अपने दोस्त को बताते हैं कि वो जल्द ही फरा की शादी कर देंगे। लेकिन फरा अपने पिता से कहती है कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है। उनके दोस्त भी उनको फरा को शहर भेजने की सलाह देते हैं। फरा की अभी शादी की उम्र नहीं, इसलिए तुम अभी उसकी शादी मत करो, बल्कि उसे आगे पढ़ने दो, जिसके लिए शहर के अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराओ, ताकि वो पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करे। इसलिए फरा के पिता अब शेख को बताते हैं कि वो अपनी बेटी को शहर भेजने की सोच रहे हैं। लेकिन शेख उनसे कहता है कि उसने कुरान की टीचिंग तो ले ली है, फिर उसे आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। अब ये सुनकर फरा तुरंत अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है कि उसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। फरा के पिता उसे चुप रहने को कहते हैं कि तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है, और जब फरा दरवाजा खोल के देखती है तो वो नासिर यानी फरा का कजिन होता है, जिससे उसकी शादी की बात चल रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फरा की सहेली की शादी की रस्में चल रही होती हैं, जहां फरा और फरीदा दोनों वहां मौजूद होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शादी खत्म होने के बाद जब फरा वापस घर लौट रही होती है, तो अपने पिता को नासिर और बाकी लोगों के साथ देख घबरा जाती है कि कहीं वो लोग उसकी शादी की बात तो नहीं कर रहे। इसीलिए अब जब वो अपने पिता के साथ घर आती है, तो वो अपने पिता से पूछती है कि आखिर आप लोग वहाँ इकट्ठे होकर क्या बातें कर रहे थे। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उसकी शादी नासिर से करवाना चाहते हैं, जिसमें फरा अपने पिता से कहती है कि उसे नासिर पसंद नहीं और ना ही वो अभी शादी करना चाहती है, उसे बस अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, जिसके लिए वो शहर जाना चाहती है। अब फरा के पिता अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालते हैं और फरा को देते हुए कहते हैं कि वो उसके लिए शहर के स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आए हैं, जिसे देख फरा बेहद खुश हो जाती है और अपने घर के छत पे चढ़कर जोरों से अपनी खुशी का इजहार करते हुए चिल्लाती है कि उसके पिता इस गांव के सबसे अच्छे पिता हैं। कि तभी वो देखती है कि दरवाजे पर गांव के कुछ मिलिटेंट खड़े होते हैं, जो गांव के सरदार यानी फरा के पिता से मिलने आए थे। और अब हमें पता चलता है कि इजरायली आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर फिलिस्तीन के लोगों पर हमला कर दिया है, जिस वजह से बहुत सारे लोग फिलिस्तीन से बेघर हो चुके हैं और अब अपने ही जमीन पे रेफ्यूजी बन गए हैं। इसीलिए अब हमें जल्दी ही हमारे गांव के लोगों को आगाह करके गांव को सुरक्षित करना होगा। जिसपे फरा के पिता उनसे कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि अरब देश से जल्द ही आर्मी और हथियार की मदद भेजी जा रही है, और एक बार उन्हें आर्मी और हथियार मिल जाए तो वो खुद आर्मी को लीड करेंगे, लेकिन तब तक उन्हें रुकना चाहिए। जिसपे गाँव के मिलिटेंट का
लीडर कहता है कि अगर हम मदद के भरोसे रुके रहे तो तब तक हमारा गांव तबाह हो चुका होगा। और अब फरा के पिता से भी कोई मदद ना मिलने से वो सभी वहां से चले जाते हैं और फरा ये सारी बातें दरवाजे पे खड़ी होकर सुन रही होती है। अब अगले दिन फरा फरीदा से मिलकर अपने शहर के स्कूल में एडमिशन की बात बताती है, जिसमे फरीदा काफी खुश हो जाती है। लेकिन फरीदा गौर करती है कि फरा अब भी उदास है, इसलिए वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, जिसपे फरा कहती है कि जब वो शहर चली जाएगी तो उसके पिता यहाँ अकेले पड़ जाएंगे, इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान है। वो आगे कहती है कि वो पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती है और वापस लौटकर यहाँ गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती है, क्योंकि गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जोर का धमाका सुनाई देता है और अब हम समझ जाते हैं कि यहाँ भी इजरायली आर्मी ने हमला बोल दिया है। धमाका सुनकर वो दोनों गाँव की ओर बढ़ती है, जहाँ वो दोनों देखती है कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और पूरे गांव में भगदड़ मच चुकी है। फरा के पिता फरीदा के परिवार के साथ फरा को भी शहर भेजने के लिए गाड़ी में बिठा देते हैं और फरीदा के पिता से कहते हैं कि इजरायली आर्मी ने साउथ की तरफ हमला कर दिया है और नॉर्थ अभी तक सुरक्षित है, तो तुम लोग वहां जाओ, मैं गांव के लोगों की मदद कर उन्हें नॉर्थ की तरफ ले आता हूं। लेकिन फरा अपने पिता को गांव में अकेले नहीं छोड़ पाती और वो चलती गाड़ी से उतरकर अपने पिता के पास वापस लौट आती है। उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई, लेकिन वो जाने से मना कर देती है, जिसके बाद फरीदा के पिता मजबूर होकर उन्हें गांव में ही छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं। अब फरा के पिता किसी तरह फरा को घर लेकर आते हैं और अपनी बंदूक को उठाकर फरा से ये कहते हुए कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से बाहर मत निकलना, उसे एक चाकू देकर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। साथ ही जाते वक्त फरा के पिता उसे वादा करते हैं कि मैं खुद आकर स्टोर रूम का दरवाजा खोलूंगा, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है, इसीलिए तब तक यही रहना। और इतना कह के वो गांव वालों की मदद के लिए बाहर चले जाते हैं। अब फरा भी वहां उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे अपने पिता का इंतजार करने लगती है। उस रूम में सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान होता है, जिससे फरा बाहर देखने की कोशिश करती है, मगर उसे उससे कुछ दिखाई नहीं देता और सिर्फ लोगों की चीखें और बम के धमाकों की आवाज सुन पाती है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है, मगर बाहर अब चारों तरफ लोगों की चीखें और धमाकों की आवाजें आ रही थी। अब काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता लौटकर वापस नहीं आते। साथ ही अब भूख और प्यास से फरा का भी बुरा हाल था, इसीलिए वो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, जहाँ उसे कुछ मिल भी जाता है, जिसे खाकर वो अपना किसी तरह गुजारा करती है। फरा के पास उसका स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होता है, जिसे देखकर वो अपने अंदर थोड़ी उम्मीद जगाती है। फरा को अब यहाँ 4 दिन बीत चुके थे, वो कई बार अंदर पड़े पड़े दरवाजा खोलने की कोशिश करती, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फरा अब भूख और प्यास से बेहाल हो जाती है कि तभी खुश नसीबी से बाहर बारिश होने लगती है और किसी तरह उस पानी को पी के वो उस दिन को भी गुजारती है। अब धीरे धीरे फरा को यहाँ पर पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। सुबह के वक्त फरा अपने घर में एक परिवार को आते देखती है, जो कि अबू मोहम्मद की फैमिली थी और ये फरा के पिता के उसी दोस्त का परिवार था जिन्होंने फरा को शहर भेजने की बात कही थी। अब उसकी पत्नी वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद अबू मोहम्मद तुरंत अपने परिवार को छुपा देता है और खुद भी छुपने लगता है कि तभी फरा उन्हें आवाज देकर अपने पास बुलाती है और उनसे बाहर आने के लिए मदद मांगती है। अबू मोहम्मद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी बाहर पूरे गांव में इजरायली आर्मी द्वारा ऐलान होने लगता है कि घर छोड़कर निकल जाओ वरना मार दिए जाओगे, इसलिए वो वहां फरा को कोई भी आवाज न करने को कह के छुप जाता है। लेकिन इजरायल आर्मी वहां सारे परिवार को ढूंढ ही लेती है। आर्मी के साथ गांव वालों में से ही कोई एक इन्फॉर्मेंट होता है, जो आर्मी को उनकी पहचान कर ये बताता है कि वो दूसरे गांव के लोग हैं, ना कि फाइटर हैं, वो इन्हें छोड़ दे। लेकिन इजरायली आर्मी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और उस फैमिली के साथ टॉर्चर करने लगती है और फिर बेदर्दी से उस परिवार के सभी लोगों को मार डालती है। और फरा ये सब कुछ अपनी आंखों से छुपकर उस दरवाजे के दराज से देख रही होती है। उस परिवार का वो नवजात शिशु अभी भी जिंदा होता है, इसलिए इजरायली कमांडर अपने सैनिक को बच्चे को मारने के लिए बोलता है और जब वो सैनिक बच्चे को गोली से मारने लगता है तो कमांडर उसे कहता है कि तुम अपनी गोली इस बच्चे के लिए क्यों जाया कर रहे हो, इसे अपने पैरों से ही रौंद दो, और ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाता है। मगर वो सैनिक ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो बच्चे को जिंदा छोड़ देता है और जाने से पहले उसके मुंह पे रुमाल रख के वहाँ से निकल जाता है। और फरा सदमे से वही दरवाजे पे बैठ जाती है, जो इस वक्त ये सब देख के अपने होशो हवास में नहीं होती। अब सभी के वहाँ से चले जाने के बाद जब वो बच्चा रोने लगता है तो फरा दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी पूरी ताकत
लगाकर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती तो बहुत चीखती और चिल्लाती है और स्टोर रूम में रखे सारे सामान को बिखेर देती है। अब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है मगर फरा से वो दरवाजा नहीं खुलता। वो नवजात शिशु अभी भी रो रहा होता है जो बेचारा पूरा दिन धूप में पड़ा भूख से तड़प रहा होता है। अब रात हो जाती है और फरा उस कमरे में भूखी प्यासी बेहाल पड़ी दरवाजे के पास लेटे हुए लोरी गाती है, जहां हम देखते हैं कि अब उस नवजात बच्चे ने रोना बंद कर दिया है जो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो रात भी आखिरकार बीत ही जाती है। सुबह जब फरा की नींद खुलती है तो उसे वहां बिखेरे हुए सामान में से अनाज की बोरी में बंदूक नजर आती है, जिसके बाद वो गोलियों को भी ढूंढती है और उसके सहारे दरवाजे पर फायर करना शुरू कर देती है, जिससे आखिरकार वो दरवाजा खुल जाता है। फरा उस कमरे से बाहर आकर पहले पानी पीती है, फिर आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो नवजात शिशु भी अब मर चुका था। अब वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने गांव में आ जाती है, जहां उसे हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर और लाशें ही नजर आती हैं। और उसके गांव में सिर्फ वही एक बच्ची थी जो जिंदा उस गांव से बचकर जा रही थी। और अब वो अपने आगे के सफर के लिए फिलिस्तीन के नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती है, जहां वो इस कहानी को अपने आने वाले पीढ़ी को सुनाएगी। लेकिन फरा फिर कभी अपने पिता से नहीं मिल पाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।